फ्रेंड्स, आई एम गुलाम नबी। और हम जैसे हिंदी में सेंटेंस कहते हैं कि मुझे नए लोगों से बात करने का शौक है, मुझे गाना सुनने का शौक है, या मुझे मसालेदार खाना खाने का शौक है, या शॉपिंग, मुझे नए नए लोगों से मिलने का शौक है, या नए लोगों से मैं मिलने में शौकीन हूँ, ऐसे सेंटेंस को कैसे कहेंगे, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका पहचान सीखते हैं कि अगर आपको किस चीज का शौक हो या शौकीन हो, यानी नए शौक हो, इसमें आपका वाक्य हम मिल जाए। जैसे मिलने का शौक है, जाने का शौक है, मूवी देखने का शौक है वगैरह। चलिए हम इसको बगैर टाइम लिए हुए एग्जांपल हम समझते हैं कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के हिसाब से इज या एम या आर हो जाएगा। इज आपका ही, शी और इट के साथ या कुछ सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, एम आई के साथ लग जाएगा, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी यू, वी, दे, राजू एंड राधा। तो इस तरह सब्जेक्ट के हिसाब से इज या एम या आर लगा देंगे। उसके बाद में फॉन्ड ऑफ कहने वाले, एफ ओ एन डी, फॉन्ड ऑफ, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आई एन जी लगा दें। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यही आपका रोल है। जैसे कहना है कि मुझे नए लोगों से या अजनबी लोगों से बात करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होते हैं, मुझे उन लोगों से बात करने का शौक है। अगर सेंटेंस को आप नेगेटिव में कहना चाहते हैं तो नोट लगा देंगे, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मुझे उससे मिलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग हिम या हर। ऐसे सेंटेंस को आपने कहा मुझे उसे मिलने का कोई शौक नहीं है, तो इस तरह की बात कहेंगे, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग हर या हिम, मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। बात करना है करिए, वरना आप अपना रास्ता देखिएगा। अगर आपका नाउन आता है, जैसे आपने कहा मुझे म्यूजिक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद फॉन्ड ऑफ के बाद में नाउन आप लेकर के आएंगे, यानी म्यूजिक आपका हो जाएगा। ये भी एक आपका रूल है। आपने कहा कि मुझे स्पाइसी खाने का शौक है या शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड। अगर खाना कहना होता तो इसी को आप कह देते, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड। इसी तरह के आपने कहा कि देखो मुझे तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं, कि आप उस जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको मजा नहीं आया। कहा कि देखो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग विद यू, मुझे तुम्हारे साथ जाने का शौक नहीं है, मुझे खाना पकाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग द फूड। तो इस तरह से जिन चीजों में आपका शौक होगा वो आप कह लेंगे। किसी सिंगुलर के बारे में कहना है तो आपने कहा उसे खाना पकाने का शौक है, आप कहेंगे he is fond of cooking the food। अगर नाम में कहना होगा तो आप कह देंगे he is not fond of cooking the food। अगर कोई लड़की है, उसे गाना गाने का शौक है, तो आपने कहा she is fond of singing a song। यदि उसे शौक नहीं है तो आप कहेंगे she is not fond of singing a song। उसे नाचने का शौक है, he is fond of dancing, उसे नाचने का शौक नहीं है, he is not fond of dancing। अब इस सेंटेंस को अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपका हर एक ग्रामर की तरह इस ग्रामर में भी हेल्पिंग वर्ब आपका पहले हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक का छह करके बता देता हूं। जैसे उसे नाचने का शौक है तो आप कहेंगे he is fond of dancing, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव भी हो गया। इसी सेंटेंस को आप अगर आप नेगेटिव में कहना चाहते हैं, उसे नाचने का शौक नहीं है, he is not fond of dancing। इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, आप सवाल बनाना चाहते हैं, इसको आप पहले रख लेंगे, बाकी आपका सारा रूल वही हो जाएगा, is he fond of dancing। अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तो आप कहेंगे is he not fond of dancing। इंट्रोगेटिव साथ में अगर आपको क्वेश्चन वर्ड मिलाना है, कब, क्यों, कहां, कैसे वगैरह सेंटेंस, तो हमने कहा उसे नाचने का शौक क्यों, why is he fond of dancing, और उसे नाचने का शौक क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे why is he not fond of dancing। आपने कहा कि सर मुझे चाइनीज खाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग चाइनीज। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीज अब आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा, आप इसको अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। घर पे रहिए, अंग्रेजी बोलना सीखिए गुलाम नबी सर के साथ में।
सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि आपको बीते हुए समय के में किसी बात का शौक था। जैसे आपने कहा कि भाई जमाना था जब मुझे गाना गाने का शौक था, मुझे नाचने का शौक था, या मैं नाच का शौकीन था, मुझे अलग अलग जगह पर घूमने का शौक था। तो अगर आप अपने वाक्य में, अपने बात में शौक था या शौकीन था का माना लाना चाहते हैं तो मैं आज आपको यही ग्रामर सिखाने वाला हूं। तो हिंदी तो हो गया पहचान कि आपका शौक था या किसी चीज के आप शौकीन थे। इसका रूल यह हो जाएगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वास आप लाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर रखेंगे। ना कहना है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद में फॉन्ट ऑफ, एफ ओ एन डी फॉन्ट का माना ही होता है शौक या शौकीन। ऑफ के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आप यूज करेंगे। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा मुझे हुक्का पीने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग हबल बबल, तो हबल बबल को हुक्का कहते हैं। आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक। या हमने कहा कि भाई आपको तो क्रिकेट खेलने का शौक था, यू वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्या करें भाई, बचपन की बात अगर हम बताएं तो एक जमाना था, एक समय था जब मुझे नाचने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, कि मैं हर जगह कॉलेज स्कूल प्रोग्राम में मैं पहुंच जाया करता था। मुझे नए लोगों से बात करने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबी होता है, या मुझे स्ट्रेंजर से बात करने का शौक नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। मुझे वॉलीबॉल खेलने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल, अगर आपको शौक नहीं था या शौकीन नहीं थे, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल। मुझे गाने का शौक था या मैं गाने का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो अगर आप वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं तो वर्ब की जगह पे आप नाउन यूज कर सकते हैं। अगर यही आपको ये कहना होता कि मुझे गाना सुनने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द सॉन्ग, और मुझे गाना सुनने का शौक नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द सॉन्ग। मैंने कहा मुझे फाइट करने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, अगर इसी को आप ना में कहना चाहते हैं तो कहेंगे आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अगर इसको आप क्वेश्चन में बनाना चाहते हैं तो वॉज या वर्ब को पहले लाएंगे। जैसे क्या मुझे फाइट करने का शौक था, वॉज आई फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में था। और कहना है क्या मुझे फाइट करने का शौक नहीं था, वॉज आई नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मुझे क्यों फाइट करने का शौक था, वाई वॉज आई फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, और मुझे फाइट करने का शौक क्यों नहीं था, तो कहेंगे वाई वॉज आई नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। सो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा। बड़ी अच्छी चीज, आपको भविष्य में किसी चीज का शौक हो, जब आपने कहा कि मेरे पास में गाड़ी होगी तो नई नई गाड़ियों में घूमने का शौक हो, जब मेरे पास में पैसे होंगे तो मुझे माउस करने का शौक होगा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ये काम का शौक होगा या शौक नहीं होगा, ये चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। आपका रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद में विल बी हो जाएगा, अगर ना में कहना तो विल नॉट बी कहेंगे। उसके बाद में फॉन्ट ऑफ, फॉन्ट का माना ही था शौक या शौकीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा लेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास में बाइक नहीं है, लेकिन जब मेरे पास बाइक हो जाएगी तो मुझे बाइक चलाने का शौक होगा, आई विल बी फॉन्ड ऑफ राइडिंग द बाइक। और हमने कहा कि देखिए बाइक ऐसी चीज है उसमें हमें तो कुछ मजा नहीं आता है, और अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मेरे पास हो जाएगी तो उस समय भी क्या होगा कि मुझे बाइक चलाने का शौक नहीं होगा, आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ राइडिंग द बाइक। हाँ, अगर कार की बात करें तो कार जब हमारे पास हो जाएगी आने वाले समय में, मुझे कार चलाने का शौक होगा, आई विल बी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। अगर इसको भी आप नामे कहना चाहते हैं, आप कहेंगे आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। इसी तरह आपने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाचने का आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको बड़ा शो मिलेगा, तो आपने कहा हाँ भविष्य में आपको अगर बड़ा स्टेज मिलता है तो मुझे लोगों के सामने नाचने का शौक होगा, आई विल बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। हमने कहा कि हाँ मुझे नाचने का शौक होगा लेकिन लोगों के सामने नहीं, घर में नाचने का शौक होगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। मुझे
नए लोगों से बात करने का शौक होगा। अभी तो हमें शर्म लगती है नए लोगों से मिलने में, बात करने में, बट इन द फ्यूचर मुझे क्रिकेट खेलने का शौक होगा। ये मान लीजिएगा कि अभी आप क्रिकेट नहीं खेलते, आई विल बी फाउंड आउट प्लेइंग क्रिकेट। सबने कहा था कोई भी हो जाए, हमने कहा जब पैसा आपको होगा भाई तो आपको भी नई नई जगह घूमने का शौक होगा। यू विल बी फाउंड आउट ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस। जब आपके पास पैसा कार हो जाएगी तो आपको कार चलाने का शौक होगा। यू विल बी फाउंड आउट ड्राइविंग द कार, या यू विल बी फाउंड आउट राइडिंग द बाइक। तो बाइक के लिए राइडिंग करेंगे, फोर व्हीलर के लिए ड्राइविंग करेंगे। उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक होगा, दे विल बी फाउंड आउट प्ले क्रिकेट। अगर तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपके लिए बहुत क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हर एक ग्रामर की तरह लास्ट में एक सेंटेंस को छह तरीके से कह लेते हैं। जैसे कि मैं तो खाना नहीं पकाता हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा खाना पकाने का शौक होगा। तो हमने कहा उसे खाना पकाने का शौक होगा, ही विल बी फाउंड आउट कुकिंग द फूड। इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में कहेंगे तो आप यू कहेंगे, ही विल नॉट बी फाउंड आउट कुकिंग द फूड। अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपको कहना होगा, विल ही बी फाउंड आउट कुकिंग द फूड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहना है तो कहेंगे कि विल ही नॉट बी फाउंड आउट कुकिंग द फूड, यानी क्या उसे खाना पकाने का शौक नहीं होगा। उसे खाना पकाने का शौक कब होगा, मतलब इतने दिनों से पका रहा है बनता अभी हुआ नहीं, तो when will he be fond of cooking the food, उसे खाना पकाने का शौक कब होगा। उसे खाना पकाने का शौक क्यों नहीं होगा, तो why will he not be fond of cooking the food। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मुझे पता चल गया है और मैं जानता हूँ कि आपने काफी इंजॉय किया होगा। सो प्लीज आप इस तरह के दूसरे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिएगा और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपील।